हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन एंड कपलान टर्बाइन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन और कपलान टर्बाइन का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अगर आपने वर्किंग प्रिंसिपल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियो का लिंक दे रखा है, जहां पर जाकर आप इन तीनों टर्बाइन कैसे काम करती हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि हम किन किन पैरामीटर्स पर इन टर्बाइनों के बीच अंतर कर सकते हैं। तो वो पैरामीटर्स हैं टर्बाइन के डिज़ाइन, टर्बाइन का टाइप, फ्लो टाइप, नंबर ऑफ वेंस एंड बकेट्स, स्टे वेंस एंड गाइड वेंस, वाटर हेड, फ्लो रेट, स्पेसिफिक स्पीड, एडजस्टमेंट ऑफ रनर वेंस, रनर डायमीटर, पावर जनरेशन एंड ओवरऑल इफिशेंसी। अब हम इन सारे डिफरेंसेस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि डिज़ाइन के कारण इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पेल्टन टर्बाइन देखने में इस तरीके से होती है, फ्रांसिस टर्बाइन देखने में इस तरीके से होती है एंड कपलान टर्बाइन देखने में इस तरीके से दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पेल्टन टर्बाइन के ऊपर बकेट बनी होती हैं, फ्रांसिस टर्बाइन के ऊपर वेंस बनी रहती हैं एंड कपलान टर्बाइन के ऊपर ब्लेड बने रहते हैं। अगला है हमारा कि टर्बाइन का टाइप। तो पेल्टन टर्बाइन एक इम्पल्स टर्बाइन है। इम्पल्स टर्बाइन का मतलब होता है कि पेल्टन टर्बाइन का जो रनर है वो पानी की काइनेटिक एनर्जी के कारण रोटेट करेगा। फ्रांसिस टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि फ्रांसिस टर्बाइन पानी की काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इन दोनों के कारण रोटेट करेगी। कपलान टर्बाइन प्योरली रिएक्शन टर्बाइन है। इसका मतलब हुआ कि कपलान टर्बाइन पानी की प्रेशर एनर्जी के कारण रोटेट करेगी। अगला हमारा फ्लो टाइप। पेल्टन टर्बाइन में जो पानी का फ्लो होता है वो टेंजेंशियल होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा नोजल है और यहाँ नोजल से हमारा पानी का जेट निकल रहा है, जो कि इसकी परिधि पर जो बनी हुई बकेट्स हैं उस पर जाकर स्ट्राइक करता है। फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर होता हमारा मिक्स फ्लो, जिसके अंदर रेडियल फ्लो एंड एक्सल फ्लो दोनों ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेडियल फ्लो होता क्या है। जब भी कभी पानी का फ्लो टर्बाइन के रोटर के परपेंडिकुलर फ्लो करेगा तब वो कहलाएगा रेडियल फ्लो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके अपर पार्ट्स में। और जब भी पानी का फ्लो टर्बाइन के रोटर के एक्सेस के पैरेलल फ्लो करेगा तब वो कहलाता है एक्सेल फ्लो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसिस टर्बाइन का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से फ्रांसिस टर्बाइन मिक्स फ्लो टर्बाइन होती है। कपलान टर्बाइन जो है हमारी एक्सेल फ्लो टर्बाइन है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारा कपलान टर्बाइन का रोटर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पानी का फ्लो है इस टर्बाइन एक्सेस के पैरेलल है, जिसके कारण हम इसको एक्सेल फ्लो टर्बाइन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ वेंस एंड बकेट्स। पेल्टन टर्बाइन पर बकेट्स बनी होती हैं जिनकी संख्या होती है 20 से 40, फ्रांसिस टर्बाइन पर वेंस बनी होती हैं जिनकी संख्या होती है 16 से 24 एंड कपलान टर्बाइन पर इम्पेलर होते हैं या जिनको ब्लेड भी कहते हैं उनकी संख्या होती है 4 से 8। स्टे वेंस एंड गाइड्स वेन। पेल्टन टर्बाइन के अंदर किसी भी तरीके की स्टे वेंस एंड गाइड वेन नहीं होती है, इसके अंदर केवल नोजल होता है। फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर स्टे वेंस एंड गाइड वेंस दोनों होती हैं, कपलान टर्बाइन के अंदर केवल गाइड वेंस होती हैं। यहाँ पर हम इन वेंस को समझेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेल्टन टर्बाइन है, इसके अंदर किसी भी तरीके की वेंस नहीं है, यहाँ पर केवल यहाँ एक ये नोजल दे रखा है।
अब आप देखेंगे फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन के अंदर दो वेन्स होती हैं, पहली स्टे वेन एंड सेकंड गाइड वेन। ये जो वेन्स हैं आप देख सकते हैं, ये वाली वेन ये स्टे वेन्स हैं, और ये जो अंदर वाली वेन्स हैं जो यहाँ पर हैं ये गाइड वेन हैं। हमारी जो गाइड वेन है वो मूवमेंट कर सकती हैं लेकिन स्टे वेन मूवमेंट नहीं कर सकती। अब आप कपलान टरबाइन के एनिमेशन देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कोई भी स्टे वेन नहीं है, केवल गाइड वेन है, और ये जो गाइड वेन है एडजस्टेबल होती हैं, यानी कि ये अपनी जगह पर मूव कर सकती हैं। गाइड वेन का काम होता है फ्लो कंट्रोल करना एंड वाटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करना, और गाइड वेन का काम फ्रांसिस टरबाइन एंड कपलान टरबाइन दोनों में ही सेम रहता है। हेड रिक्वायर्ड, पेल्टन टरबाइन उन जगहों पर यूज़ होती है जहाँ पर वाटर हेड 300 से लेकर 1000 मीटर तक होता है, 1000 मीटर, और फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड की टरबाइन है, यानी कि ये उन जगहों पर यूज़ होगी जहाँ पर वाटर हेड 45 से लेकर 400 मीटर तक होगा। कपलान टरबाइन उन जगहों पर यूज़ होगी जहाँ पर वाटर हेड 10 से लेकर 70 मीटर तक होगा। फ्लो रेट, पेल्टन टरबाइन एक लो फ्लो रेट टरबाइन है जहाँ पर पानी का जो फ्लो रेट है वो 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होना चाहिए। फ्रांसिस टरबाइन एक मीडियम फ्लो रेट टरबाइन है जहाँ पर फ्लो रेट 10 से लेकर 700 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है। कपलान टरबाइन एक लार्ज फ्लो रेट टरबाइन है जहाँ पर पानी का फ्लो 70 से लेकर 800 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है। अब हम बात करेंगे टरबाइन की स्पीड की। पेल्टन टरबाइन की स्पीड लगभग 65 से 800 आरपीएम होती है। फ्रांसिस टरबाइन की स्पीड 75 से 1000 आरपीएम होती है एंड कपलान टरबाइन की स्पीड 55 से लेकर 450 आरपीएम तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ रनर वेन्स। पेल्टन टरबाइन का जो रनर ब्लेड है उसके ऊपर हमारी जो बकेट हैं ये फिक्स होती हैं, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर है उसके ऊपर जो वेन्स बनी रहती हैं वो भी फिक्स होती हैं, वो अपनी जगह पर मूवमेंट नहीं करती हैं। लेकिन कपलान टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जिसके रनर पर जो वेन्स या ब्लेड्स होते हैं वो अपनी जगह पर मूवमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम रनर डायमीटर की। तो पेल्टन टरबाइन का जो रनर डायमीटर है वो होता है 0.8 से लेकर 0.6 मीटर तक। फ्रांसिस टरबाइन का रनर डायमीटर होता है 0.91 से 10.6 मीटर तक, एंड कपलान टरबाइन जिसका रनर डायमीटर हो सकता है हमारा 2 मीटर से लेकर 11 मीटर तक। अब हम बात करते हैं पावर जनरेशन की, कि कौन से ऐसे पावर प्लांट हैं या कौन सी कैपेसिटी के पावर प्लांट हैं जहां पर कौन सी टरबाइन यूज़ करी जाएगी। तो पेल्टन टरबाइन ऐसी टरबाइन है जो कि 400 मेगावाट तक के पावर प्लांट में यूज़ करी जा सकती है। अगर हमको ज़्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो हम फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ करेंगे, और फ्रांसिस टरबाइन से हम लगभग 800 मेगावाट तक का आउटपुट ले सकते हैं। कपलान टरबाइन से हम 5 से लेकर 200 मेगावाट तक की पावर जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफिशियंसी की, जो कि किसी भी टरबाइन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो पेल्टन टरबाइन की जो इफिशियंसी होती है वो होती है 85 से लेकर 95%, फ्रांसिस टरबाइन की इफिशियंसी होती है 90% से ज़्यादा, एंड कपलान टरबाइन की इफिशियंसी होती है 90 से लेकर 93%। तो आई होप आपको तीनों टरबाइनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं वो आसानी से समझ में आया होगा और बहुत ही कम समय में समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।